नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी को जेल तो भिजवा देते हैं, क्योंकि सबके सब ने जो कि प्लान बना रखा था कि मलिष्का को किडनैपिंग के पीछे लक्ष्मी का हाथ है, लेकिन दोस्तों बाद में पता चलेगा कि लक्ष्मी का तो कोई हाथ ही नहीं है मलिष्का के किडनैपिंग में, क्योंकि ये सब पूरी तरीके से झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे थे लक्ष्मी को फंसाने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि फिलहाल जो कि लक्ष्मी को छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि छुड़ाने के लिए जो जाएंगे ऋषि के फादर और ऋषि दोनों ही जाएंगे पुलिस स्टेशन के अंदर। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कितने घटिया घटिया आरोप लगाए गए हैं लक्ष्मी को फंसाने के लिए इस घर में। आप लोग जानते हैं कि लगातार लक्ष्मी के ऊपर सोनिया की मम्मी जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग भड़कते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि पहले ही ऋषि के फादर और दादी ने बोला था, ऋषि की दादी ने, कि अगर लक्ष्मी बेकसूर निकली तो सबके सबको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी के ऊपर जो इन लोगों की निकालने की साजिश जो रच रहे थे लक्ष्मी को इस घर से, वो वाकई में पूरी तरीका से फेल हो चुकी है। हालांकि मलिष्का का किडनैप जरूर हुआ है, लेकिन वो किडनैप किस तरीका से हुआ है वो एक देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मलिष्का की भी एक प्लानिंग है, लेकिन अभी तक घर किसी भी घर वालों को वो प्लानिंग समझ नहीं आ रही है। सबके सब मलिष्का को बहुत ही ज़्यादा भोली मानते हैं, क्योंकि मलिष्का तो बहुत ज़्यादा भोली है। ये लोग ये नहीं जानते कि मलिष्का सबकी माँ है, वो कुछ भी कर सकती है, बल्कि उसका लेना देना उठना बैठना ही गुंडों के साथ में है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सबसे पहले दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि मलिष्का तो मिल जाएगी, लेकिन वहीं पर ही लक्ष्मी से कुछ लोगों को माफ़ी मंगवाते हुए नजर आने वाले हैं ऋषि के फादर और ऋषि की दादी, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया था कि लक्ष्मी के ऊपर इन लोगों का जो आरोप था वो पूरी तरीके से बुनियादी आरोप था। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि अब इस विषय में ऋषि एक बार फिर से मलिष्का से बोलता हुआ नजर आएगा कि तुम्हारा ये प्लान था लक्ष्मी को जेल भिजवाने का। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए।